नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है और कहाँ पे हमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है। तो पीबी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस अपॉन बुक। और पीबी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला ये प्राइस पर शेयर और दूसरा ये बुक वैल्यू पर शेयर। अब प्राइस पर शेयर तो हम सबको पता है, जो भी मार्केट में उस शेयर का भाव चल रहा है वो उसका प्राइस पर शेयर हो गया। लेकिन अब बारी आती है हमारी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जब भी कंपनी बिजनेस ऑपरेट कर रही होती है उसके पास काफ़ी सारा कैश होता है और दूसरे एसेट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग हो गई, या और कई तरीके के एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्रीज। और इन सब एसेट्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, इन सब वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, उससे हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी उसमें से हमें इनटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना है। तो जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो जनरली कंपनी की बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको देखना है कि बैलेंस शीट में कोई इनटेंजिबल एसेट तो नहीं है। ये इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। तो इन अगर बैलेंस शीट में कोई भी ऐसी इनटेंजिबल एसेट है तो उसको आपको टोटल एसेट में से माइनस करना है, जिससे आपको टोटल टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एसेट के साथ साथ कंपनी के ऊपर काफ़ी उधारी भी होती है, जैसे उसको काफ़ी सारे सप्लायर्स को पे ऑफ करना होता है, उसको जो बैंक से उसने लोन लिया उसको पे ऑफ करना होता है, और कई सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कंपनी को पे ऑफ करने होते हैं। तो टोटल एसेट्स के बाद हमें देखना है कि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी के ऊपर, तो ये भी हमें उसकी बैलेंस शीट से मिल जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि टोटल जो एसेट्स हैं, टोटल टेंजिबल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल टेंजिबल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद हमारे पास कंपनी की टोटल बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस सारे पीबी रेशियो के फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपया, जिसके टोटल एसेट्स हैं 1000 रुपया, और उसके जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो है 400 रुपया, और जो उसके पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं बैलेंस शीट में वो है 100 रुपया। तो उसकी जो बुक वैल्यू निकलेगी वो होगी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि 1000 माइनस 400 माइनस 100, यानी कि जो कंपनी की टोटल बुक वैल्यू है वो होगी 500 रुपया। तो अब टोटल बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो कंपनी ए के जो टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग है वो है 10, तो जो कंपनी की टोटल बुक वैल्यू है वो है 500। तो जब हम 500 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल बुक वैल्यू को हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से जब डिवाइड करेंगे तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, जो कि है 50 रुपया। तो अब कंपनी जो है वो 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है, यानी कि उसका जो शेयर प्राइस है वो है 100 रुपया, और जो उसका बुक वैल्यू पर शेयर है वो हो गई 50 रुपया। तो जो उसका पीबी रेशियो आएगा, यानी 100 डिवाइडेड बाय 50, तो जो उसका कंपनी का पीबी रेशियो है वो है 2 रुपया, यानी 2 टाइम्स, 2 रुपया यानी 2 टाइम्स हो गया उसका पीबी। तो इसका मतलब यह है कि आज कंपनी के हर 1 रुपए के एसेट के लिए मार्केट उसे 2 रुपए देने को तैयार है। तो पीबी रेशियो कैलकुलेट करने का मेन पर्पस ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है इससे कि अगर कल को कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर देती है तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना पैसा मिलेगा कंपनी के जो लोन्स हैं वो पे ऑफ करने के बाद। तो इस केस में हर 1 रुपए इन्वेस्टेड पे आपको, सॉरी, हर 1 2 रुपए इन्वेस्टेड पे आपको 1 रुपया मिलेगा अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर 2 रुपए इन्वेस्टेड पे 1 रुपया वापस मिलेगा ही अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता जो कंपनी की बैलेंस शीट पे एसेट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं है। हो सकता है कि कंपनी आज बोल रही हो कि मेरे पास 1000 रुपये का एसेट है, लेकिन हो सकता है जो एक्चुअल में उनकी वर्थ हो वो 600 रुपया ही हो। तो इसलिए सिर्फ पीबी रेशियो पे डिपेंडेंट रहना काफी डेंजरस हो सकता है कई सिचुएशंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि पीबी रेशियो होता क्या है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशंस में पीबी रेशियो का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पीबी रेशियो का इस्तेमाल हमें उन कंपनीज में करना है जिनका सेल्स और जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके एसेट से ड्राइव होते हैं,
यानी कि कंपनी के पास जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतना ही उनका सेल और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है बैंक्स और एनबीएफसीज या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक्स का होता क्या है कि जो उनके लोन्स है वो उनके एसेट्स होते हैं, और जितने ज्यादा बैंक लोन देगा उतना ही उनका इंटरेस्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जितना उनका इंटरेस्ट रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ही उनका प्रॉफिट्स बढ़ेगा फ्यूचर में। तो ऐसी कंपनीज जिनका सेल्स और प्रॉफिट जो है वो एसेट से ड्राइव होते हैं, उन कंपनीज में पीबी रेशियो का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बैंक्स के अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, रियल एस्टेट हो गया या स्टील कंपनी हो गया, इनके भी जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके एसेट्स पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। और जो कंपनीज जिनके सेल्स और प्रॉफिट्स एसेट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि वो कंपनीज जिनको बहुत ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने सेल्स और प्रॉफिट्स को ग्रो करने के लिए, उनमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कंपनीज जैसे कि फार्मा कंपनीज हो गई या फिर आईटी कंपनीज हो गई, तो इनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं होते यूजली। इनके पास या तो हिडन एसेट्स होते हैं, जैसे कि इनटेंजिबल एसेट होते हैं फार्मा कंपनी के पास, जैसे पेटेंट हो गया या कोई ट्रेडमार्क हो गया, तो उस पे फार्मा कंपनी काफ़ी सालों तक अपने प्रॉफिट्स कमा सकती है। और ऐसे ही आईटी जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके एसेट्स होते हैं ज़्यादातर केसेस में, तो वो हमें दिखते नहीं है बैलेंस शीट में कि एसेट की साइड। तो इसलिए ऐसी कंपनीज में हमें पीबी रेशियो का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम पीबी का इस्तेमाल अगर करेंगे कि तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इनका पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा ऊपर है। हो सकता है हमें 8, 9 या 10 के पीबी पे ये कंपनीज मिल रही हों और हम इनमें इन्वेस्ट ना करें, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो बेसिकली कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट और उसकी सेल्स उसके एसेट्स पे डिपेंडेंट है, उन ही कंपनीज में हमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल करना है, बाकी दूसरी कंपनीज में हमें और भी मेट्रिक्स से कंपनी को मेजर करना है। और एक और सिचुएशन जिसमें हमें पीबी रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है, वो ये है कि अब हो सकता है कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखा रही हो कि उसकी जो बिल्डिंग है, उसकी जो प्लांट है, उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपया है, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि वो 10 करोड़ का है कि नहीं है। हो सकता है जब वो कंपनी उस प्लांट या उस बिल्डिंग को बेचने के लिए जाए तो उसकी जो है कोई 5 करोड़ भी वैल्यू ना लगाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पीबी रेशियो काफ़ी बड़ा धोखा दे सकता है। तो एक बात हमें समझनी होगी, जो कंपनी एसेट्स बता रही है बैलेंस शीट में वो रियल है कि नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन जो कंपनी बैलेंस शीट में जो कंपनी लाइबिलिटीज बता रही है अपनी, तो वो 99.99% चांस यही है कि वो रियल ही होंगी। तो अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट में 100 रुपये के एसेट्स दिखा रही है और साथ ही साथ जो उसकी लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट में वो है 50 रुपया, तो 50 रुपये की जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में हम श्योर हो सकते हैं कि वो रियल है, लेकिन जो 100 रुपये के एसेट्स हैं उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते कि वो 100 रुपये के हैं कि नहीं है। हो सकता है वो 60 रुपये के हों, हो सकता है वो 70 रुपये के हों, या हो सकता है वो 50 रुपये के भी ना हो। तो ऐसे केस में सिर्फ पीबी रेशियो देख के इन्वेस्ट करना काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है हमारे लिए। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि सिर्फ पीबी रेशियो देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, कंपनी के और भी मेट्रिक्स जो है उन्हें देखें और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन बनाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा और आपने पीबी रेशियो के बारे में कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।